हेलो फ्रेंड्स, आज हम बनाने वाले हैं ब्रेड कटलेट। ये बहुत ही टेस्टी है, फटाफट ये 5 मिनट में बन के रेडी हो जाते हैं। अगर आपके घर में मेहमान आए हो तो आप इसे ज़रूर बना के खिलाएं, उनको बहुत अच्छा लगेगा और उनके मुंह से आपको ज़रूर तारीफ़ मिलेगी। अगर ये रेसिपी आपको अच्छा लगा हो तो आप ज़रूर ट्राई कीजिए। चलिए मैं इसकी आपको रेसिपी बताती हूँ। ब्रेड कटलेट के लिए हम ब्रेड ले रहे हैं, उबला हुआ आलू। चलिए हम इसकी आगे का रेसिपी बताते हैं। यहाँ गैस में हम कढ़ाई चढ़ाए हैं, इसमें तेल डाले हैं और तेल अब गर्म हो जाएगा तो हम जीरा डालेंगे। अब हमारा जीरा भून गया है, इसमें अब हम बारीक कटी हुई प्याज डालेंगे। बारीक कटी हुई हरी मिर्च, बारीक कटी हुई अदरक, अच्छे से गोल्डन ब्राउन होने तक भूनेंगे। ये यहाँ आप देख सकते हैं हमारा प्याज गोल्डन ब्राउन होने तक भुजा गया है। इसमें हम उबला हुआ आलू मैश करके मेल्ट करके इसको डालेंगे। थोड़ा सा धनिया पाउडर, स्वाद अनुसार नमक, इसे सबको अच्छे से मिक्स कर देंगे। बारीक कटी हुई धनिया पत्ता सबको अच्छे से मिक्स कर देंगे। हमारा आलू भून के तैयार हो गया है, इसे हम निकाल लेंगे। अब हम इस तरह से ब्रेड को कट कर लेंगे। इस तरह से ब्रेड को चारों तरफ से कट कर लेंगे। इस तरह से अपने सारे ब्रेड को इस तरह से कट कर लिए। अब इस कटे हुए ब्रेड को मैं अपने मिक्सी जार में इसको ग्राइंड कर दूंगी। इसको मिक्सी में ग्राइंड करके इस तरह से ये बन गया है। अब मैं आगे के प्रोसेस बताती हूँ। अब ब्रेड को इस तरह से पानी में हल्का सा एक तरफ ले ले, पानी को अच्छे से गार ले। इसमें आलू डाले तरह से, इस तरह से इसको फोल्ड कर ले। हल्के हल्के हाथों से इसे फोल्ड करना होता है। इस तरह से
बहुत ही सॉफ्ट होता है फ्रेंड, इसीलिए इसे हल्के हल्के हाथों से इसे इस तरह से कर ले। ये जो हमने तैयार किया था ब्रेड के साइड से कट करके उसमें इस तरह से इसे लगा दे। एक और मैं करके दिखाती हूँ, इस तरह से एक तरफ पानी में डालना है इसे, पानी को अच्छे से गार ले, पानी ब्रेड से एकदम निकल जाना चाहिए। फिर हमारा जो आलू है इसमें ले, अच्छे से फोल्ड कर ले। बहुत ही हल्के हाथों से सॉफ्ट करना होता है ये, बहुत ही, वरना अगर प्रेस कर देंगे ना ये टूट जाएगा। बहुत इजीली हो जाएगा, आप भी अपने घर में ट्राई कीजिए। इस तरह से लपेट ले, मैं इसी तरह सारे ब्रेड को बना लूंगी। हमारा ब्रेड कटलेट इस तरह से बनके रेडी हो गया, अब इसे फ्राई करना है। चलिए हम फ्राई करते हैं। यहाँ देखिए हमने कढ़ाई में तेल डाल दिया है, अब इसे मीडियम आंच में अब इसे हम डालेंगे। इसे जल्दी नहीं पलटना होता है क्योंकि ये टूट जाएगा। इसे थोड़ा ब्राउन होने देते हैं थोड़ी देर के लिए। फ्रेंड्स आप ये बहुत ही आसानी से बना सकते हैं, आपके घर में अगर मेहमान आ गए तो फटाफट इसे 5 मिनट में बना के रेडी कर सकते हैं, और ये खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है। जो भी आपके घर में मेहमान आएंगे आप उनको उनके मुंह से ज़रूर तारीफ सुनेंगे ये खिलाने के बाद। अब इसे मैं हल्के हाथों से इस तरह से पलटूंगी, इसे तेजी से पलटना नहीं होता है क्योंकि ये टूट जाएगा। हमारा ब्रेड अब फ्राई हो गया है, इसे हम निकाल लेंगे। गोल्डन होने तक इस तरह से फ्राई करें। हमारा कटलेट बन के रेडी हो गया है, आप इसे घर पे जरूर ट्राई करें। अगर अच्छा लगा हो तो कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए बाय बाय।